रोशनी, ये छोटा सा काम नहीं है। तू नहीं जानती, तू जहाँ जा रही है वो एक वन वे स्ट्रीट है। अगर एक बार चली गई ना तो वापस लौट के नहीं आ पाएगी। तू हमेशा के लिए एक नाचने वाली बन के रह जाएगी। नाचने वाली? उसकी अम्मी एक नाचने वाली है? हाँ, उसकी अम्मी का नाम सलमा। सलमा जानेसार तो नहीं? हाँ। सलमा जानेसार? अम्मी, अम्मी वो वही है ना जो एक वक्त में लखनऊ की सबसे बड़ी तवायफ थी? वो या ना उसकी बेटी? जी अम्मी। परवीन, ये 2019 है, अब ना तो कोई कोठे हैं और ना ही कोई तवायफ है। अम्मी पर खून तो वही है ना, खून भी वही और खानदान भी वही। अरे तू ये क्या 1960s की बातें कर रही है? इन बातों में कुछ नहीं रखा परवीन। तो आप क्या चाहती हैं अम्मी? मैं एक ऐसी लड़की को इस घर में ले आऊं जिसका पेशा नाचना गाना है, जो दौलत के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी का घर भी तोड़ सकती है। परसों पहले एक ऐसी ही औरत ने मेरा घर तोड़ दिया, मेरे शौहर को मुझसे छीन लिया। ऐसी औरतों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आदमी शादीशुदा है या नहीं, उसके बच्चे हैं या नहीं। ये सिर्फ सिर्फ दौलत से मतलब होता है। नहीं अम्मी, मैं इस घर में ऐसी ऐसी बदनाम औरत को नहीं आने दूंगी और ना ही उसकी बेटी को। लेकिन नाचने वाली उसकी अम्मी है, रोशनी नहीं। अरे रोशनी तो नान खटाई बेचने वाली एक मासूम सी लड़की है। मासूम? ऐसी फैमिली की लड़कियां मासूम नहीं होती अम्मी। इंसान जहां पलता है उससे दूर नहीं रह पाता। मैं ऐसी फैमिली की लड़की को इस घर में नहीं आने दूंगी। मैंने कितनी बार कहा है परवीन कि रोशनी नाचने वाली लड़की नहीं है। नहीं है तो बन जाएगी। बन जाएगी। घटिया परवरिश अपना असर जरूर दिखाएगी। सिर्फ एक ही बार की तो बात है फरा, फिर मेरी शादी हो जाएगी। तुझे पता है ना, मुझे अम्मी ने बोला है और मैं उनकी बात नहीं टाल सकती। एंड अल्लाह नोज बेस्ट, जो मेरी अम्मी के एहसान है ना मुझ पे, मैं मर के भी उनको नहीं चुका सकती। एंड देख, देख मैं कितनी खुश हूँ। ओके, तू टेंशन मत ले। तू अभी भी स्माइल कर रही है। तू हर सिचुएशन में स्माइल कैसे कर लेती है रोशनी? जो इंसान रोते रहते हैं ना, उनकी किस्मत भी रोती ही रहती है। और अगर आप ऐसे ही रोते रहोगे तो अल्लाह आपसे कभी खुश नहीं होगा। अल्लाह नोज बेस्ट। आज से मैं हमेशा स्माइल करूंगी, क्योंकि मुझे अपनी विशेस पूरी करनी है। अगर मैं हमेशा खुश रहूंगी तो अल्लाह मेरी सबसे बड़ी विश जरूर पूरी करेंगे, मम्मी पापा को ढूंढने की विश। इस दिन लाइफ मुझे रुलाने की कितनी भी कोशिश करती रही, लेकिन मैं स्माइल करती रहती। अगर स्माइल करूंगी तभी तो वो मुझे मेरे पेरेंट्स से मिलवाएंगे ना। मेरी किस्मत में अगर मरना लिखा है तो मुझे मौत मंजूर है। मंजूर? मैं क्या? पर ऐसी लड़की से मदद लेना मंजूर नहीं है। अमन, 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 तू तू सुन रहा है ना मेरी बात? अमन, अमन, अमी, मैं यहाँ हूँ। मुझे कुछ दिख क्यों नहीं रहा? क्या? 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 अमी? परवीन! परवीन! अमी यहाँ। परवीन! अमन, निशान ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। तभी ने कहा था कि अगर निशान आंखों तक पहुंच गया तो पर भी नंदी हो सकती है। अमन, अब इसे सिर्फ हयाना ही बचा सकती। दादी, पर मैं हयाना को कैसे लेकर आ सकता हूँ अभी? अम्मी, अरे कैसे भी लेकर आ अमन, बस उसे लेकर आ। ये तेरी अम्मी की जिंदगी का सवाल है। जा बेटा,
परिश अपना असर जरूर दिखाएगी। इंसान जहां पलता है उसे दूर नहीं रह पाता। अब इसे सिर्फ हयाना ही बचा सकती है। जी जनाब। अमन बोल रहा हूँ, प्लीज जैसे ही रोशनी लौटे उसको रुकने के लिए कहिए। मेरी अम्मी की जिंदगी और मौत का सवाल है, मैं अभी आ रहा हूँ उसको लेने के लिए। जी जी बहुत बेहतर। अम्मी किसका फोन था? अब सलमा के सितारों में ही सारे रॉन्ग नंबर लिखे हैं तो कोई क्या करे, बस वही था। अल्लाह तू तैयार क्यों नहीं हुई बेटा, हमें जाना है, देर हो जाएगी। अल्लाह बहुत देर हो गई, चल। तुझे तैयार होने देती ना तो और वक्त निकल जाता, अब सीधे वहीं चल के तैयार होंगे, ठीक है? चल। मन कहाँ है तू? निशान बढ़ता ही जा रहा है। आयाना को लेकर जल्दी आ बेटा। ये सलमा जी ये किधर? अरे बाबू साहब ये लोग तो शादी में गए हैं ना। मैंने कहा था मेरी अम्मी की जिंदगी का सवाल है। अजीगर तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे पता है वो लोग कहाँ हैं? आशिक में जिसका टाइटल टाइटैनिक, ओ आशिक में जिसका टाइटल टाइटैनिक, मुआ किनारा दिखा कर के डुबा दे गया छल्ला मेरा आशिक छल्ला बल्ला मेरा बलमा झल्ला बल्ला। हमने समझा था गोल्डन जुबली जिसे हर समझा हमने था गोल्डन जुबली जिसे वो तो मैटिनी दिखा करके चुम्मा ले गया झल्ला मेरा आशिक झल्ला बल्ला मेरा बलमा झल्ला बल्ला मेरा झल्ला बल्ला बल्ला झल्ला।